हाउ टू मेक करेले का जूस। डायबिटीज है तो पिए करेले का जूस, मिनटों में इस तरीके से तैयार कर दे। हाउ टू मेक करेले का जूस डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, बेहद फायदेमंद होता है। स्वाद में कड़वा करेले शुगर ये किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। तो गैस कुछ भी हो जाए, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसे करेले का जूस किस तरह से तैयार करना है। हाउ टू मेक करेले का जूस। स्वाद में कड़वा करेला गुणों में के मामले में बेहद मीठा है। इसका सुबह जूस डायबिटीज मरीज के लिए रामबाण औषधि से कम नहीं है। करेला ब्रेड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करने में बेहद लाभकारी होता है। यही वजह है कि करेले का जूस पीने के भी बहुत सलाह दी जाती है। करेले का जूस कई अन्य बीमारियों में भी लाभकारी होता है। आप अगर दिन की शुरुआत करेले के जूस से करते हैं तो कई बीमारियां आपको आसपास नहीं भटकेंगी, इसका नाम नहीं लगेगा। आप अगर घर पर करेले का जूस तैयार करना चाहते हैं तो हमारी बताई विधि की मदद से इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल करता कैसे है करेले का जूस। करेले का नाम आते ही लोगों को कड़वा स्वाद आ जाता है, लेकिन करेला हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। करेला को हम कई तरह से दवा के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। करेले में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे कई बीमारियों की आशंकाओं को कम किया जा सकता है। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में करेला बहुत मदद करता है। करेले में मोमसेरिडिन, चेरिटिन जैसे एंटी हाइपरग्लाइसेमिक तत्व पाए जाते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे करेला ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ऐसे करता है कम। करेले में पाए जाने वाले मोस्टिवेशन और चेरिटिन नामक तत्व ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा करेले में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है जो डायबिटीज से लड़ने से सहायता करता है। करेले में बीच में पॉलीपेप्टाइड पी नाम का प्लांट इंसुलिन होता है। यह इंसुलिन ठीक उसी तरह से कम करता है जैसे अग्निशय में निकलने वाला इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। करेले का जूस खाली पेट पीना चाहिए। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं करेला का जूस कैसे बनाएं। इसमें मौजूद तत्व के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और पोटेशियम से भरपूर करेले का जूस मिनटों में बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी आसानी रेसिपी। करेले का जूस बनाने की विधि। गुणकारी करेले का जूस बनाने के लिए सबसे पहले करेले को धोएं और उन्हें साफ करते समय इस दौरान करेले के बीज निकल लें। आप चाहें तो करेले को छील कर भी उसके टुकड़े काट करके करेले के टुकड़े डाल दें और ऊपर से आधा चम्मच काला नमक और आधा नींबू निचोड़ दें। इसके बाद जरा सा इसे एक मिनट मिलाकर और ढक्कन लगाकर ब्राइज कर दें। जूस तैयार करने के बाद एक बर्तन में छन्नी की मदद से जूस को छान लें जिससे जूस में किसी भी तरह की टुकड़े नहीं आ पाए। आप चाहें तो बिना छाने करेले का जूस भी पी सकते हैं। इसके बाद कप सर्विंग ग्लास में डालें और उस पर ऊपर से काला नमक और थोड़ा सा नींबू और डालकर सर्व करें। करेले का जूस नियमित सेवन करने से शरीर को बाध्य फायदा पहुंचता है। तो गाइस वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ध्यान से कर दें।